एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर एक sec थीटा इक्वल टू 13/12 ये वैल्यू दी हुई है, और कैलकुलेट ऑल अदर रेशोज, यानी ऑल जो इसके रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे के सारे हमें निकालने हैं। हमें सबसे पहले ये जानना है कि sec की वैल्यू क्या है। तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। हमें पता है cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और इसकी वैल्यू जो है sec थीटा, ये 13/12 दी हुई है, यानी ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। तो इस sec थीटा इक्वल टू 13/12 ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया है, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस cosec थीटा होता है, इसलिए sec थीटा इसका अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, ये एंगल यहाँ पर हमने इसको थीटा लिया है, तो हाइपोटेनस ये हो गया 13, वो तो सेम रहता है, एंगल ए ले लीजिए या ए लीजिए, और साथ में इस थीटा के लिए बेस क्या हुआ है 12। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले क्वेश्चन में शायद ये आपने ना देखा हो, तो देख ले जरा कि sec थीटा 13/12 रेशो है। इसको आप इसको मल्टीप्लाई किसी से भी करें, यानी 26/24 भी हो सकता है, या फिर 39/36 भी हो सकता है, लेकिन जब भी इसको हम कट कर देंगे किसी एक डिजिट से, तो ये वापस 13/12 आया है। तो कुछ लोग इसके साथ एक्स भी लिखते हैं, बाद में इसको मल्टीप्लाई करके कट कर देते हैं। तो आप चाहें तो जितने भी ये डिजिट जब आए हुए हैं रेशो में, उनके साथ एक्स लिख सकते हैं, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेशो सेम ही रहेगा। यदि हम इस रेशो को ही उस डिजिट या आर्म्स के बराबर मान लेंगे, तो और आसानी से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर माइनस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 169, इस साइड आ जाएगा 144 इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे 25 रूट इक्वल टू सी बी, 25 को 5। मैंने ये पाइथागोरस से इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 निकाल दी। अब हमको इसमें और सारे रेशो निकालने हैं, जैसे साइन थीटा, सब थीटा के लिए ही निकालना है, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, कॉस थीटा की बी अपॉन एच, और टेन थीटा की पी अपॉन बी। तो पी इसी थीटा के लिए पी क्या हुआ 5, एच क्या है सबके लिए सेम 13, कॉस थीटा के लिए बी क्या है, बी है 12, और एच क्या है हाइपोटेनस 13। ये वैसे भी sec का उल्टा है, इसलिए 13/12 का 12/13 आना है। टेन थीटा इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है 5, और बेस कितना है 12, तो ये 3 वैल्यू हो गई है। साइन का उल्टा होता है cosec, cosec थीटा इक्वल टू 1/1 साइन थीटा, यानी साइन थीटा का हमें उल्टा करना है, ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 13/5 एक वैल्यू ये हो गई है। और sec थीटा की तो वैल्यू दी हुई थी cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा इक्वल टू, ये पाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, या इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। इस टाइप से इसके 5 रेशो है, दिस इज द आंसर। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे हम सबसे पहले, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, और इसको सी ले लेंगे। ए 90 हो गया, ये एक्यूट एंगल हैं दोनों ही। अब इसमें बोला है कॉस ए, कॉस ए ए वाला इक्वल टू कॉस बी ए वाला, ये दोनों ही एंगल बराबर हमको, मतलब इन दोनों के कॉस ए कॉस बी की वैल्यू सेम दी हुई है। हमें फॉर्मूला पता है पहले से ही,
क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। तो कॉस ए, कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या है सी ए, ए के लिए, और हाइपोटेनस तो सेम है यानी ए बी। कॉस बी की वैल्यू, इस बी के लिए इसका बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनस क्या हुआ ए बी। आप देख रहे हैं ना, ये एंगल से जो टच साइड होती है हाइपोटेनस को छोड़ के वो बेस होती थी। एंगल ए के लिए बेस ये हो गया, एंगल बी के लिए बेस बी सी हो गया। देखिए इस फॉर्मूले में बेस दोनों में सेम है इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। इस तरीके से सी ए इक्वल टू बी सी, यानी ये सी ए और बी सी ए दोनों ही आर्म सेम हो गए। आपको ये पता है कि जो आर्म्स सेम होते हैं एंगल के, तो वो दोनों ही एंगल सेम हो जाते हैं। इसके साइड, इस एंगल के सामने का आर्म ए, इस एंगल के सामने का आर्म ए, यानी दोनों ही एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये आइसो स्केल थ्योरम। इसके अकॉर्डिंगली सेम है, दिस इज द आंसर।